नमस्कार बुलेटिन को स्वागत मु स्मृति लग्ना प्रथमे नजर पकाइबा हेडलाइंस पर बात्या यश जोगु केते होइछि क्षयक्षति आकलन पर ओडिसा रे सात जणिया केन्द्रीय टीम आज बालेश्वर भद्रक जिला रे स्थिति अनुधान राज्य सरकार को वरिष्ठ अधिकारी को सह आलोचना तलमुहा कोरोना ग्राफ देश में दिनक 1,636 नुआ आक्रांत राज्य में 6,118 पॉजिटिव कटकु सर्वाधिक 640 आक्रांत गला आउ 41 जीवन मृत्यु संख्या 3,005 पिलांक पाई कोवैक्सीन परीक्षण दिल्ली एम्स रे आज स्क्रीनिंग प्रक्रिया आरंभ एम्स पटना रे आउ 7 शिशु नेले टीका तृतीय लहर रे पिला अधिक आक्रांत होबा आशंका रे वैक्सीन देबा पाई आगुआ उद्योग केन्दुझर बलाणी अंचल रे जघन्य कांड साळीकु कुराडी रे हाणी हत्या परे 200 फुट खाल को फिंगी देला भिणई शाशुर हात बांधि दुष्कर्म करथिबा अभियोग अभियुक्त फेरार मृतदेह खोजुची पुलिस पुणि एक दंता हाथीर मृत्यु उत्तर घुमसर बनखंड केन्द्रीय बनांचल लाठीपड़ा बीट ढोपल्ली काजू जंगल ठाब विद्युत तार लगे मृत्यु होता सूचना वन विभाग तदंत संपूर्ण खबर को आसीबा बात्या यस क्षतिग्रस्त अंचल परिदर्शन पाई ओडिसा रे केंद्रीय टीम क्षतिग्रस्त अंचल परिदर्शन करिसेंती गृह विभाग जुग्म सचिव सुनील भगवान कर नेतृत्व रे आसीथिबा सात जणिया टीम आज ये टीम दुईटी विभाग रे विभक्त होइछेंती बात्या अंचल गस्त करिसेंती चारि जणिया टीम प्रथमे बालेश्वर जिला गस्त करिसेंती अन्य तीन जणिया टीम भद्रक गस्तरे अछेंती आज ये दुई जिलार स्थितिर अनुध्यान करिबे एहा परे आसंता काली बालेश्वर जाइथिबा टीम मयूरभंज एवं भद्रक जाइथिबा टीम केन्द्रापड़ा जिला गस्त करिबा रहउछि कार्यक्रम क्षतिग्रस्त चारि जिला परिदर्शन करी रिपोर्ट प्रदान करिबे ए टीम राज्य सरकार का वरिष्ठ अधिकारी का सहित मध्य आलोचना करिबे मे 28 तारीख रे ओडिसा गस्तरे आसी आकाशमार्गरु बात्या क्षयक्षति अनुध्यान करथिले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एहा परे तत्क्षणात ओडिसा को 500 कोटीर पैकेज घोषणा करथिले प्रधानमंत्री बात्या यस रे मोट 610 कोटी टंकार क्षयक्षति होइतबा कहिथिले मुख्यमंत्री जोथिरे 520 कोटीर सरकारी भित्तिभूमि 90 कोटीर बेसरकारी संपत्ति रहिछि देश में कोरोनार द्वितीय लहर नियंत्रण को आसी आक्रांतों संख्या लगातार भाव में कमिबारे लगी गत 24 घंटा 1,636 जन संक्रमित चिन्हट सेपटे 2,427 जन का मुंड नहीं कोरोना देश में मोट संक्रमितों संख्या 2,99,975 पहुंची जाइए से भाई 2,71,69,180 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होता सूचना वर्तमान सुधा मोट 3,49,186 जन कोरोना रे प्राण हर सेपटे 23,37,86,482 जन टीका नहीं सूचना रही प्राय डेढ़ मास परे आज दिल्ली रे आरंभ हो जाइछि अनलॉक प्रक्रिया किछि नुआ गाइडलाइन सहित दिल्ली पुणी थरे स्वाभाविक होइछि कोविड 19 महामारी स्थितिर सुधार हेबार प्राय 3 सप्ताह परे दिल्ली मेट्रो सेवा पुणी थरे आरंभ हो जाइछि केवल 50% यात्री मेट्रो रे बसी पारिबे एवं निर्दिष्ट स्थान रे केवल यात्री ठिया हेबाक अनुमति दिया जिवो यात्री माने प्रति 5 रु 15 मिनिट रे मेट्रो पाइबे आगरो प्रति 2 मिनिट रे मेट्रो यात्रा सुविधा मिलुथला तबे दिल्ली रे एबे भी अनेक सेवा आरंभ होइना है मॉल जिम स्विमिंग पूल सिनेमा हॉल मनोरंजन पार्क आदि बंद रही छि सेभले रेस्टोरेंट रे बसी खाइबा प्रतिबंधक लागि छि साप्ताहिक बाजार मध्य बंद अछि मुख्यमंत्री का घोषणा हिसाब रे केवल ऑटिजन फार्मूला रे ही दुकान गुडी को खोली छि सेभले उत्तर प्रदेश रे मध्य केवल 4टी जिला को छाड़ी देले बाकी सबुठि अनलॉक रो प्रक्रिया आरंभ हो गई छि आपण जानिथिबे विभिन्न जगार अनलॉक रो प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि कारण राज्य रे वर्तमान स्थिति टिके स्वाभाविक आड़क आसुछि टिके सामान्य होछि बोली कहि परबा प्राय डेढ़ मास परे आजिठु दिल्ली रे आरंभ हो जाइछि अनलॉक रो प्रक्रिया लगातार भाव दिल्ली रे द्वितीय लहर रे संक्रमितों संख्या अधिका थिला जोति पाई
अनलॉक हो पारुनथुला किंतु जेहेतु स्वाभाविक बा सामान्य आड़क स्थिति किछिटा मात्रा रे आसुचि तेणु प्राय देढ़ मास रा अपेक्षा और देढ़ मास परे आजिठू दिल्ली में आरंभ हो जाइछि अनलॉक रो प्रक्रिया किछि नुआ गाइडलाइन सहित दिल्ली पुणि थरे स्वाभाविक होइछि बोली आमे कहि परबा। कोविड 19 महामारी स्थिति रे सुधार आनिबा पई प्राय 3 सप्ताह परे दिल्ली मेट्रो सेवा पुणि थरे आरंभ होइछि। केवल 50% यात्री मेट्रो रे बसी पारिबे, निर्दिष्ट स्थान में केवल यात्री ठिया होगा अनुमति रहा, अन्य माने ठिया हो पारे ना, जो मानक जबार थी केवल से ठिया हे। यात्री माने प्रति 5 रु 15 मिनिट रे मेट्रो पाइबे, आगर प्रति 2 मिनिट रे मेट्रो यात्रा सुविधा मिलूला। तेरे दिल्ली में एवं भी अनेक सेवा आरंभ होना, आप मल कथा कहतु जिम, स्विमिंग पुल, सिनेमा हल, मनोरंजन पार्क, ये सब एवं भी बंद रही। रेस्टोरेंट रे बसे खावा प्रतबंधक लगे। बाबद अधिक सूचना चलते दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वा सीधा सड़क जावा। गगन, आमे एते दिन अपेक्षा करबा परे कहि परबा दिल्ली टिके स्वाभाविक स्थिति आड़क आसुचि बा अनलॉक रो प्रक्रिया आरंभ होईचि, किंतु वर्तमान दिल्ली रो स्टेटस कोन, गोटिए दिन रे केते कोरोना संक्रमित चिन्हट होचंती, प्रथमे से बाबदरे जानबा पई छै। तो देखो निश्चित भाव दिल्ली आम जी कहवा जो सेकेंड लहर दिल्ली में कहला दिल्ली में बारंबार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते दिल्ली चतुर्थ लहर था, कहीं दिल्ली में देश द्वितीय लहर था कि दिल्ली चतुर्थ लहर था। जी बर्तमान देखिए अनेक संख्या बर्तमान संक्रमित संख्या कमी लगातार, जब आम गोटे सप्ताह धरी कह हजार रु कम संख्या आती अनेक समय मझे मझे 500 रु संख्या कम रही, दु दिन में 500 रु संख्या कम रही। कि सबुत आश्चर्यकर खबर है जोटी 30,000 रु अधिक केसेस आसला गोटे मास पूर्व से हजार रु कम संख्यक संक्रमण आसा, यहाँ लक्ष्य करके जो विशेषज्ञ मान सहित आलोचना करी लगातार जो रही अटर्नी जो गवर्नर रही सहित लेफ्टिनेंट गवर्नर सहित आलोचना करके केंद्र सरकार पूर्व जो अनलॉक प्रक्रिया गाइडलाइन रही नजर रखिकी वर्तमान अनलॉक प्रक्रिया कराई केवल गोटे नुआ कथा ये लागू कराई केजरीवाल जो खास जोटा कि से अनेक समय लागू करती हूँ ऑड इवन फॉर्मूला। से ऑड इवन फॉर्मूला दुकान बजार गुड़िक खुली गोटे दुकान खुलता बेले पाख दुकान बंद रही। बर्तमान सीधा चित्र देखा चाहिए राजीव चौक में अच्छी जोटी की दिल्लीर पेंठस्थल कहुए किसी दुकान खुली किसी खावा दुकान देखुए कि जो फास्टफुड दुकान रही किसी दुकान खुली गोटे दुकान खुली संपूर्ण ये एरिया बंद रही। पालिका बजार दृश्य कह कैमेरा पर्सन नीरज को देखे पालिका बजार गेट बर्तमान खोलिया आरंभ हो 11टा पर जेनेली से पालिका बजार ओपन हुए लोक मानी तेना बर्तमान गेट खुली भितर जी आम कह पाखापाखी 100 रु अधिक दुकान रही किंतु मात्र 20 रु 30 दुकान को अनुमति रही फास्ट डे रे। फुटपाथ जदि कथा कह फुटपाथ देखापी चाहिए कैमरामैन को कह फुटपाथ देखे फुटपाथ रे कौन सी गोटे दुकानी वर्तमान पर्यंत देखा मिलूना पूरा फुटपाथ खचाखच भिड़ रहे। संडे ठार आरंभ कर शनिवार पर्यंत सबु दिन रे फुटपाथ रे जो दुकान मान रुंती 11टा रु से माने आसीबा आरंभ करंती, संध्याटी बेसी भिड़ जमे किंतु से पूरा फुटपाथ संपूर्ण खाली रही संपूर्ण। जी कह राजीव चौक कहतु करलबाग कहतु चांदीन चौक कहतु जो दिल्ली रो प्रमुख बाजार साधारण भाव में बर्तमान आश्वस्त हो पारा ना, कारण आग को तृतीय लहर चिंता बढ़ाऊ। तो वर्तमान परिस्थिति आम जी कह दिल्ली में पूर्व जो देखी जो अमानिया संख्या टी अधिक स्थिति बिगिड़े लगी बर्तमान समीक्षा और तदारख को लगातार भाव में एक निरंतर प्रक्रिया करने कड़ाकड़ी करने फाइन आदाय को आउपर पुलिस प्रशासन के गुरुत्व देखने। और देखो निश्चित भाव प्रति छक मानक देखापी चाहिए जे किभली भावे जो ट्रैफिक पुलिस कथा कहतु बा पुलिस माने देखिए प्रति जो मेट्रो स्टेशन रही सबुठ से पैंतरा मार्च सबुठ से चेकिंग करो मैंने पिंधि ना मास्क परिधान करना से सीधा सड़क फाइन लागू करा जो फाइन पूर्व 500 टाँचा बर्तमान रही। जदि अमानिया संख्या बढ़े बारंबार नजर को आसे तो निश्चित भाव ये फाइन आगो को वृद्धि करा जीवो जो माने पिंधि नांती सेमानों को मध्य पुलिस हूँ ट्रैफिक पुलिस हूँ से बारंबार रिक्वेस्ट कर समस्त को पिंधापी कि लोक अच्छा से आज दिल्ली से अनलॉक शुरू हो गया है। आप क्या करते हैं? हम पानी की रेड़ी लगाते हैं। पानी की दुकान है तो 1.5 महीने से दुकान बंद था आपका, अभी खुला, कितना खुश है आप? बहुत खुश है, 1.5 महीने से बहुत दिक्कत आ रही थी, काम कार नहीं था, आप आज आए हैं कुछ 4 पैसे मिलेंगे। तो पर डे अगर बात करें तो कितना रुपया आपका सेलिंग होता था पहले? जब पहले पूरा सामान 700 रुपये रोज सेलिंग होता था, कोरोना के चलते अब तो कोई एक पैसा लगने ही नहीं थी गाड़ी तो कहाँ से सेल हो गई।
जमती कि से दुकानी थिले जो ठेला पानी बिकाली रही निश्चित भाव से अनेक लोक रही जो मैंने जीवन जीविकार कथा किंतु अन्य पटे जीवन बंचिले ही जीविका बंचिब ये कथा को मध्य ध्यान देवा उचित कहीं अनेक वर्तमान कोहल करा जाए नहीं जिम कथा कहतु स्विमिंग पुल कथ कहतु टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन कथा कहतु अनेक गुड़ी एवं भी बंद रही केवल दिल्ली नुहे उत्तर प्रदेश में केवल दुईट चारोटी जिला को छाड़देले प्रधानमंत्री निज क्षेत्र जो वाराणसी से बंद रही किंतु बाकी जो आज कह 71 जिला पूरा संपूर्ण रूपे कोहल कराई दिल्ली में से ही फर्मुला लागू कराई दिल्ली महाराष्ट्र जोटी संक्रमण संख्या कमी किंतु वर्तमान जो कटकणा जारी करा जाइछि जेतिक भी कोहल करा जाइछि अनेक आलोचना करा जिबा परे तहार प्रतिफलन आसीबो एवं लोक माने वर्तमान एटलिस्ट किछि सिखिबे कारण पूर्वरु अनेक अमानिया दिल्ली रे आमे देखिबा को मिलथिला जो माने आदौ सहयोग करि नथिले ज्योतिपाई दिल्लीर अवस्था आज एमती हेछि। बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना पई गगन विश्वाल मो प्रतिनिधि थिले लगातार भाबरे अधिक सूचना दोथले दिल्ली रे अनलॉक प्रक्रिया आरंभ होइछि ता उपरे आपण सविशेष तथ्य सुनथिले समय छोटिया ब्रेक रो ब्रेक पर फेरबा आलोचना को फेरवा खबर को राज्य में कमुची कोरोना संक्रमण तलमुहा कोरोना ग्राफ गत 24 घंटा रे 6118 नुआ संक्रमित चिन्हट से भाव कटक जिलार सर्वाधिक 640 आक्रांत चिन्हट होती जाजपुर 563 खोर्धार 495 अनुगुल 416 मयूरभंज 384 पुणी थे कह रखापी चाहू गत 24 घंटा 6118 नुआ संक्रमित चिन्हट होती कटकु सर्वाधिक 640 नंबर से भली भाव में जाजपुर 563 खोर्धा 495 अनुगुल 416 मयूरभंज 384 नुआ आक्रांत चिन्हट होती तेरे ए आक्रांतों मिसाई राज्य में संक्रमित संख्या मध्य बढ़ी जाइछि। मोट आक्रांतों संख्या 8,19,214 पहुंची यार भितर 7,39,376 जन सुस्थ होती 76,750 जन एवं चिकित्साधीन अवस्था अच्छा से भाई 24 घंटा 41 कोरोना आक्रांतों मृत्यु होती राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 3,035 को वृद्धि पाई। राज्य में संक्रमण कमुची ट्रेंड दर्शाऊछि आगामी सप्ताह किंबा 10 दिन भितर आहुरी कमिजिबो संक्रमण जेहेतु 60% लोक एबे मध्य गुरुतर हो आईसीयू रे भर्ती होती तेणु मृत्यु संख्या मध्य अधिक रही वर्तमान टीकाकरण में द्वितीय डोज को अधिक गुरुत्व दिया जाउछि। 18-44 वर्षर वयस्क जो माने प्रथम डोज ले द्वितीय डोज अपेक्षा रे अछन्ते सेमानकु दिया जाउछि प्राधान्य। 22 जिला मुख्यालय रे टीका देवाई व्यवस्था करा जाइछि जेते टीका राज्य को मिलिबो से हिसाब रे प्लान करा जाउछि। कोविड मेडिसिन पाई जातीय टास्क फोर्स जहां अनुमोदन करुछन्ते आमे मध्य ताहा व्यवहार करुछु तेणु जदि ऑक्सीजन पारासिटामल स्टेरॉइड उपरे गुरुत्व दिया जाउछि आमे मध्य तर्जमा करी से औषध व्यवहार करिबो बोली कहिछन्ते स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। देशरे तृतीय लहर में पिलाने अधिक आक्रांत होगा आशंका करा पिलां को किभली आगुआ टीका दि जापी उद्यम आरंभ होई दिल्ली एम्स रे पिलां को ठारे कोवैक्सीन परीक्षा पाई आज आरंभ होगा स्क्रीनिंग प्रक्रिया 2-8 वर्ष पिलां को पाई टीकाकरण उपयुक्त ना नहीं ताहा जांच करा जिबो से भले पटना एम्स रे मध्य आउ 7 जन पिलां को कोवैक्सीन टीका दि जाई जून 3 तारिख रे पटना एम्स रे 2-18 वर्ष पिलां को ठारे टीका परीक्षण आरंभ होइतला। प्रथम दिन 3 जन शिशु को कोरोना टीका दिया जाइतला अधिकर अधिक लोक टीकाकरण करा नकले तृतीय लहर अधिक विनाशकारी हो पारे बोली विशेषज्ञ माने चेतावनी देछन्ते। एहा पिला मानको अधिक मात्रा रे संक्रमित करि पारे ए किछि दिन पूर्वरु एम्स पटना रे भारत बायोटेक टीका अनुमोदन पाइबा परे शिशु रोग परीक्षा आरंभ होइ जैछि। मे 11 रे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल अफ इंडिया पिला मानको उपरे टीकाकरण रो मानव परीक्षा को अनुमोदन करथिले। भुवनेश्वर जागमरा नुआ रास्तार मर्मन्तुत दुर्घटना घटी ओम्फे ट्रक और अटो मुहांमुही धक्का अटो ड्राइवर समेत दुईज गुरुतर होती सकाल प्राय 6 समय हम सौभाग्य नगर जागमरा दे अंधारुआ जाटो नुआ जागमरा रास्त अटो को सामना पटु
रंग रूट्रे आसी धक्का देइथिला उम्फे ट्रक फलरे ऑटो ड्राइवर कर पछपटे हैंडल पसी जाइथिला। स्थानीय लोकमाने ऑटो को अटकाइथिले एवं जनों को उद्धार करिथिले कैपिटल हॉस्पिटल पठाइथिले किंतु ड्राइवर को उद्धार करि पारिनथिले। घटनास्थल रे पुलिस एवं अग्निशम बाहिनी पहुंची ग्यास कटर माध्यम रे काटे प्राय डेढ़ घंटा ऑपरेशन परे ड्राइवर को उद्धार करिथिले। गुरुतर अवस्था रे तांको कैपिटल हॉस्पिटल रे भर्ती करा दैछि। ऑटो ड्राइवर जनक अंधारुआर होइथिबा बेले से जने पान व्यवसायी बोली जना पड़छि। ढौपली जंगल रु दंता हाथीर मृतदेह ठाब कर उत्तर घुमसर वनखंड केन्द्रीय वनांचल अधीन लाठीपड़ा बीट ढौपाड़ी काजु जंगल रु दंता हाथीर मृतदेह उद्धार कर वन विभाग घटनास्थल पहुंची मृतदेह जबत कर गतकाली आठटिकिया हाथी पल खाद्य अन्वेषण में ढौपाली काजु जंगल अतिक्रम करता बेले गोटे हाथीर शुंडर 11 केवी विद्युत तार संस्पर्शे आसी फल घटनास्थल हाथीर मृत्यु होगा। हाथीर बयस 25-30 वर्ष हो अनुमान कर हाथी आठपट जावा आशा करते आम स्टाफ मैं प्रतिदिन ट्रैकिंग करते आज सका गोटे मानने आम हाथी मलादेहटा देखु कि पोस्टमार्टम पर जमापड़ प्रकृत में कौन किमती मला कौन कौन एक अभावनीय घटना घटी जाइछे जहां निश्चित भावे दुखद घटना एवं साली को कुराढ़ी हाणी जघन्य हत्या परे सासु को हाथी हाथ बांधी दुष्कर्म करा जनापड़ी। एभले किछि सांघातिक अभियोग आसी केन्दुझर जिला बलाणी थाना किरीबुरु गांव एथिसहित साली मृतदेह को 200 फुट खाल को हत्याकारी फिंगी देइथिबा अभियोग। हत्याकारी हेउछि रूप सिंह सिद्धू मुर्गापड़ा रोथिबा सासु एवं साली सहित रूप सिंह जंगल को छतु संग्रह करने जाइथिला। बाटरे साली सहित झगड़ा होता ए झगड़ा उग्र रूप धारण कर जो रूप सिंह मरियम को कुराढ़ी रे बेको को काटी 200 फुट खाल को फिंगी देता एथसत गामुछारे बांधि दुष्कर्म कर शाशु को कौशल क्रमे शाशु खसी आसी जयनार अभोग करते पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत तो आरंभ कर बर्तमान पर्यंत मृतदेह उद्धार करना एथसत घटना पर रूप सिंह फेरार सूचना रही। समय आओ एक ब्रेक रो ब्रेक पर फेरिबा खबर को। अड़ुआ सूतार क्षयरे छंदी हो जाइछंती झारसुगुड़ा आडिशनल तहसीलदार दिन बढ़िबा सहित बिवाद मध्य बढ़िबारे लगी। मैडम को विरोध में केबे नियाजबा एक्शन वृद्ध तरभुज व्यवसायी उपरे निज पावर अपव्यवहार करी जुलम करथिबा अहंकारी मैडम शास्ति पाइबे ना तदंत आड़ुआल घटना को चापी दिया। ए प्रश्न एवं साधारण में उंकी मारी कारण 5 दिन हो घटनार तदंत सरी भी किसी एक्शन निया अभोग आ कोर्पी मजिस्ट्रेट मैडम को विरोध रे केबे ग्रहण करा जिवो कार्यानुष्ठान तबंगिरी नारे निज पदवीर अपव्यवहार करुथिबा अतिरिक्त महिला तहसीलदार को केबे मिलिब सजा तदंत परे काही कि चुप बसी जिला प्रशासन कहा बोलरे बोलिया एही मैडम रास्ता कडरे वृद्ध तरबुज व्यवसायी को झारसुगुड़ा अतिरिक्त तहसीलदार माड़ मारिबा घटना को 5 दिन बीती जाइतले सुधा कार्यानुष्ठान ग्रहण करन जिबा जिला प्रशासन रो कार्य दक्षता उपरे प्रश्न उठाइछे। झारसुगुड़ा जिलापाल रो आदेश क्रमे झारसुगुड़ा उपजिलापाल तार तदंत सारी तार रिपोर्ट ता मते दे सारलेनी किंतु जो कार्यानुष्ठान ग्रहण न करि जिबा आज पर्यंत काही कि कार्यानुष्ठान हेइनि एटा साधारण लोकर चर्चा ताकु नहीं आमे जातीय मानव अधिकार कमिशनर द्वारस्थ मध्य हेइछु आम मानक सहयोग रे आज आमे कोरोना को हरैछु प्रशासन को आमे सहयोग करूछु आ प्रशासन को सहयोग करला परे भी जदि प्रशासन ए प्रकार रो अत्याचार करिवे लोकंक उपरे ताहाले एटा बहुत निंदनीय कथा। गत 2 तारीख दिन रास्ता कडरे तरबुज बिक्री करूथिबा वृद्धंकु झारसुगुड़ा अतिरिक्त तहसीलदार जोबिता तिरकी बाड़ी रे माड़ मारिथिले। वृद्धंक दोष हला 11टा पर्यंत दोकान खोलिबा अनुमति थिबा बेले से 11टा परे दोकान बंद करथिले। मैडम को माड़े वृद्धंक जंघ और गोड़े आघात लागथिला। एही वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल हेबा परे घटनार तदंत होइथिला। माड़ खाइथिबा वृद्ध देवेन झा और तांको नाबालक पुओ को उपजिलापाल कार्यालय को अणाई पचराउचरा करा जाइथिला। एपरिकी अतिरिक्त तहसीलदार
ଯୋଗିତା ତିର୍କୀଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି କରି ପ୍ରସନ୍ନ ସାଧାରଣରେ ନିଜର ଭରସା ତୁଟାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। 72 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିତି ଯାଇଥିଲେ, 3 ଦିନରୁ ଅଧିକ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାହା କାହାକୁ? ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜକୁ ମାଲିକ ଭାବି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା? କରୋନା ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମାଜର ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାରିୟର ଭାବେ ଗଣାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାୱାର କଣ ଜୁଲମ କରିବା ପାଇଁ? କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏତାଦାଗିରି? କାହିଁକି ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଉନି ଆକ୍ସନ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଉ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବ ମୌସୁମୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜିଠୁ 4 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।